सिखाते हैं प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई है, मतलब जो किंडरगार्टन के करिकुलम में आजकल एडेड है कि वहाँ पे हम ये वाटर लाइफ साइकिल हुआ, बटरफ्लाई लाइफ साइकिल हुआ, ये सिखाते हैं। नहीं, इंक्लूड किया हुआ है, आप टेक इट फॉर ग्रांटेड लीजिए कि इंक्लूड कर दिया है। इज इट वर्थ वर्थ है कि नहीं है, मुझे इतना जानना है। आपको लगता है उससे डेवलपमेंट होगा? हाँ, इंटरेस्ट क्रिएट होगा। आपने क्या बताया उनको? प्रोसेस किस फॉर्म में? वर्बली, एक छोटी सी स्टोरी के फॉर्म में, सर्कल टाइम, राइट? उसको क्या कहते हैं? सर्कल टाइम। जब हम कोई एक्सप्लेनेशन देते हैं तो व्हाट डू वी से? सर्कल टाइम है। बेंच पे, चेयर पे बिठा के काम करवाना इतना हैपनिंग नहीं है दीज डेज। आजकल बच्चों को नीचे बिठाकर, सर्कल में बिठाकर हम एक्टिविटीज करवाते हैं, तो वो ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। बेंचेस पे रेस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं कि वो निकलना उनके लिए प्रॉब्लम होता है, बाहर आना, अंदर बैठना, फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना, वो बहुत प्रॉब्लम होता है। दैट इज़ द रीज़न व्हाई दिस सर्कल टाइम हैज़ बीन इमर्जिंग इन किंडरगार्टन। सेम वे बटरफ्लाई लाइफ साइकिल, फ्रॉग लाइफ साइकिल, वो शायद फोर्थ एंड फिफ्थ स्टैंडर्ड का टॉपिक है, पर हम इधर क्यों इंट्रोड्यूस करवाते हैं? बिकॉज एज आई टोल्ड यू, देयर आर मेनी सिनॉप्सिस डेवलप बिटवीन दिस 1 to 6 ईयर्स एज। तो इसमें हम जितना मैक्सिमम इंट्रोडक्शन देते हैं दैट रिमेन्स विद देम। तो वाटर लाइफ साइकिल, वॉट इज द प्रोसीजर ऑफ वाटर? इट्स लाइक वेन अ rain water is there in the river, sunlight comes and it evaporates, and then condensation and then evaporation and precipitation, वो सब आता है। तो along with that process, मतलब बारिश कैसे आती है, एक छोटा सा question बच्चे का अगर है तो वो satisfied हो जाएगा, concept clear हो जाएंगे। Satisfied होगा, मैं तो घर जाके अपने parents को भी बताया, आज मैंने ये exactly राइट। तो वर्थ है हम लोग का, ऐसा छोटा सा हम इश्यू वाटर को इंट्रोड्यूस करना है। हाउ विल यू इंट्रोड्यूस वाटर इन अ चाइल्ड? पानी क्या है? पानी पानी है, क्या है पानी? इज इट सो डिफिकल्ट? व्हाट इज वाटर? That is on the later stage, but what is water? Users are on the later stage. That is the second step. Okay. पानी क्या है, कैसे बताएंगे बच्चे को भी, कैसे बताएंगे? नहीं, भाप तो दिखेगी नहीं तब तक। पानी, it's a very simple activity. एक टब में आप पानी लीजिए, right? उसको dip करवाइए. Have a feel of water. Once it has been felt कि पानी मतलब गीला होता है, something wet is happening to my hand, or maybe if I'm sprinkling on your clothes, then the clothes gets wet, right? That is a simple thing. What is the next stage? How do you explain water? Water, put it in a glass. What is the shape of water? Up naturally the curiosity rises. अब पानी समझ में आ गया तो क्यूरियोसिटी, मैम ये पानी लंबा है, छोटा है, हाउ इज वाटर? कैसे बताएंगे? अगेन वी पुट इट इन अ ग्लास और इन अ बॉटल। तो वाटर हैज नो शेप, इट कंटेन्स द शेप ऑफ अ कंटेनर, राइट? वेर एवर इट्स बीन पोर्ड ऑफ, इट्स द सेम शेप। ओके, नाउ वाटर इज कलरलेस, पुट सम कलर्स इन टू द वॉटर, और शरबत डाल दो, पीने लीजिए पानी, है ना? ड्रिंकिंग वाटर ले लो, थोड़ा सा शरबत डाल दो, फाइन। तो अगेन इट विल हैव कलर विदाउट एनी दिस जूसेस, इट हैज नो कलर। तो वी हैव टॉट देम द थ्री कंसेप्ट। फर्स्ट, वॉट इज वॉटर?
what is the shape of water and what is the color of water. Now, how does the water taste? It has no its own taste. It doesn't have any taste. Fine. So, taste kaise ho jayega jab aap sharbat ya koi juices usme add kar rahe hain. So, uska taste bhi aane lagega. Is it sweet, sour, or maybe bitter? Karele ka pani de do. It's bitter, right? So, what we are developing? The characteristics of water, right? Again, after characteristics, then we have to take them to the rain and harvesting and water cycle and to the later stage. But then, how water comes and what is its shape, color, content, whatever, you are giving them that characteristics. Now, children understand what is water. पानी पानी है बोलो टीचर से मुझे मैम पानी क्या है पानी पानी होता है आर यू सेटिस्फाइंग द चाइल्ड दैट इज अ टाइप ऑफ हार्ड वर्क यू हैव टू पुट इन मतलब एक छोटा सा कंसेप्ट तो दैट इज व्हाट अ लेसन प्लान शुड कंसिस्ट कि आज हमें एक हॉट और ये वार्म और कोल्ड का भी कंसेप्ट सिखाना है व्हाट आर आवर प्लानिंग वी हैव टू टेक टू बकेट्स one of cold water and one of warm water. So what will happen? They will touch, feel and understand what is hot, what is cold. These are the concept development techniques. The tactics you have to indulge in. You have to get involved in. Fine. But English class we have to start, ma'am. Sorry? English class we have to start. Right from playgroup? I don't mind that. Yes. Yes. जो साइंस के मैक्सिमम कंसेप्ट्स हैं वो हम प्ले ग्रुप से ही स्टार्ट कर सकते हैं लाइक बिग स्मॉल फैट थिन हॉट वार्म कोल्ड आइस कोल्ड बिकॉज दे आर वेरी कनेक्टेड दे आर नेचर कनेक्टेड चिल्ड्रन डू यू नो 9 months अ चाइल्ड इज इन द वूम ऑफ अ मदर इन दैट हाउ डू दे लर्न दिस स्विमिंग बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं अगर ये मैरी कॉम का बच्चा है तो वो शी बी वेरी गुड इन बॉक्सिंग हाउ इज इट दैट पॉसिबल जीन्स तो है देयर आर समथिंग टाइप कॉल्ड साइंटिफिक जीन्स है जो हमारे जेनेटिकली हमारे बच्चे में आते ही हैं बट देन वो क्वालिटीज कैसे आती हैं वो इंटरेस्ट लेवल कैसे डेवलप होता है कि फाइटर का बच्चा फाइटर या एक्टर का बच्चा एक्टर जल्दी बन जाता है Exactly, the atmosphere. What is the visible every time? Actor ka bachcha hamesha wo shooting or acting leta hai. It's very normal and easy for them to act. Aur yehi engineering karne ko bolenge to it's going to be very difficult for him. So it starts learning. So Abhimanyu aur Chakravyuh ko todna kahan se sikhe the? Right from the womb of a mother. So it's any concept what you want to teach is not wrong at any stage matlab aap nursery mein padha rahe ho play group mein padha rahe that hardly matters it's your efforts how simplified you make that concept wo concept ko kitna simplify aap kar sakte ho ki us level ka bachcha wo seekh sake right so now what were the three this development domains I taught you first was Physical. Second? Right. Then third? Cognitive. Now the fourth development is? Sense development. No. The fourth development is personal, social and emotional development. What is personal, social and emotional development? Personal, social and emotional development is the development of interpersonal quality. Interpersonal मतलब personal वो कितना connect हो रहा है बच्चा कितना improvement आ रहा है social how is he in the group में कैसा है and emotional how is he attached with the class teacher or his peers so that kind of
milestones you have to check. First day, when a child comes to a school, he is very unknown to your faces. वो ऑफिस में शायद एक आध बार आएगा तो शायद जहाँ पे काउंसलर केविन होगा या प्रिंसिपल केविन होगा तो उनको जानेगा, बट नॉट द टीचर, राइट? तो दैट इज एन अननोन फेस टू हिम. हाउ दैट चाइल्ड कनेक्ट्स विद द टीचर, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टीचर. फर्स्ट डे ही वोंट अंडरस्टैंड व्हाट टीचर इज सेइंग, मे बी माइट बी ही स्टार्ट क्राइंग, माइट बी ही स्टार्ट थ्रोइंग टैंट्रम्स ऑन द टीचर. देन व्हाट विल हैपन? Again, you have to find the strategies to settle that particular baby in a class. Then social. Once a child has got into the class, he is attached with you. Now he has to make friendship with all his classmates. That is called a social attachment or connection. And the third is emotional. Like, if I beat you, if a child starts crying, that means he is a bit emotional also. And using his emotion into learning is your type of technique or strategy for teaching a child in a classroom. Fine? This is, has much to do with the psychology of a child. The last development domain is of creative development. Now comes the creative development of a child. As a ma'am told me, the project, jo smileys ka project ma'am ne diya tha, that was a brilliant example of this creative development. So how creatively you using that project into your studies, that is called creative development. Now we'll do a small activity. In your pads, you draw something. Maybe it be a letter or some fruits or vegetables or smiley face, whatever you feel like, you do it. You can also write a slogan if you want. You can write a quote. You can give some name to that particular object. It's up to you. Can you all do it in your pads? I'm giving you 10 minutes. आपके ड्राइंग में कुछ भी हो सकता है.